मम्मी पापा और उनकी बेटी में एक बात समान होती है, दोनों को ही अपनी गुड़िया बहुत प्यारी होती है। भगवान से अगर कुछ मांगना ही है तो अपने माँ बाप के सपने पूरे होने की दुआ मांगना, तुम खुद ब खुद आसमान की ऊंचाइयां छू लोगे। बिना बात के रूठने की आदत है, किसी अपने का साथ पाने की चाहत है। तुम खुश रहना, मेरा क्या है, मैं तो आईना हूं, मुझे तो टूटने की आदत है। एक वादा था टूट गया, शौक था उतर गया, एक मन था भर गया, इंसान ही तो था बदल गया। न साथ है किसी का न साथ है कोई, न हम है किसी के न हमारा है कोई। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जंक फूड के बारे में। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जंक फूड सिर्फ वो नहीं है जो हम बाहर जाके खाते हैं। जंक फूड कई बार हम हमारे घर में भी बनाते हैं, जैसे कि पराठे हुए, पकौड़े हुए, मैदा का कोई सामान हुआ, तो ये सब हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हेल्थ स्पेशलिस्ट का कहना है कि जहां पहले डायबिटीज़ बुजुर्गों में हुआ करती थी, वहीं आज वो बच्चों में पाई जा रही हैं। और अगर इस पे यानी कि जंक फूड पे कंट्रोल नहीं किया गया तो ये कम उम्र में ही बच्चों को डिप्रेशन का शिकार बनाती रहेंगी, जिसकी वजह से बच्चों का दिमाग विकसित नहीं हो पाएगा। उपवास करने से अगर भगवान खुश होते ना, तो इस पूरी दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला वो भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। उपवास अन्न का नहीं विचारों का करो, इंसान खुद की नजरों में सही होना चाहिए। लोग तो भगवान से भी दुखी हैं। घर के अंदर तुम चाहे जी भर के रो लो, पर घर का दरवाजा हंस कर ही खोलना, क्योंकि लोगों को जब पता चलेगा कि तुम अंदर से टूट चुके हो तो वो तुम्हें लूट लेंगे। मौत की गाड़ी में जिस दिन सोना होगा, ना कोई तकिया होगा ना कोई बिछौना होगा, साथ होगी दोस्ती की यादें और एक शमशान का कोना होगा, और वहां लिखा होगा कि मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी निकल गई आते आते। क्या मिला तुझे दुनिया से, अपनों ने ही जला दिया जाते जाते। किसी की अर्थी यात्रा पर जाओ तो ये मत समझना कि आप उसको उसकी मंजिल तक लेकर जा रहे हो, बल्कि असल में वो अर्थी पर लेटा हुआ इंसान आपको आपकी मंजिल दिखाने लेकर जा रहा होता है। आंखें ऊंची हुई तो दुआ बन गई, नीची हुई तो हया बन गई, जो झुक कर उठे तो खता बन गई, और जो उठकर झुके तो अदा बन गई। अगर हमारी दृष्टि अच्छी है ना, तो हमारे लिए पूरी सृष्टि अच्छी है। गरीबों के बच्चे खाना खा सके त्योहारों में, गरीबों के बच्चे खाना खा सके त्योहारों में, तभी तो भगवान खुद बिक जाते हैं बाजारों में। खुदा।